हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीरी रिक्रूटमेंट 2020 की। तो यहाँ पर नीरी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई जिसमें कि आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, बिल्कुल फ्री में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 31,000 तक आपको यहाँ पर मंथ सैलरी मिलेगी, प्लस आपको HRA भी यहाँ पर मिलेगा। इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त 2020 रखा गया है। तो 28 अगस्त 2020 से पहले आपको यहाँ पे ईमेल के द्वारा अप्लाई कर लेना है। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और क्या क्या डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है और इसकी एज की क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर से कर लीजिएगा। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद जोनल सेंटर की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी है वो 11/8/2020 को पोस्ट की गई थी। यहाँ पे जो दो पोस्ट निकाली गई आप देख सकते हो, एक जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए और दूसरी पोस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाली है, 1 ईयर का यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये जो वैकेंसी है वो हैदराबाद जोनल सेंटर के लिए निकाली गई है, लेकिन सारे स्टेट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपसे BSc मांगा है। यहाँ पे आपको फील्ड मेंशन किया गया, इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में अगर आपने यहाँ पे BSc करा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे MSc या फिर अगर आपने BE/BTEC किया हुआ है, यहाँ पे आपको स्ट्रीम दिया गया है, इनमें से किसी एक स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BE/BTEC किया हुआ है या फिर आपने MSc किया हुआ है तो आप प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ जॉब रिक्वायरमेंट भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऊपर में आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए दिया गया, उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं सैलरी की, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो 20,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पे HRA भी दिया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपसे 31,000 आपको सैलरी मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको HRA भी मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट यहाँ पे आपको दिया गया है, मैक्सिमम एज जो है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 50 ईयर रखा गया है और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद बात करें कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई आपको इनकी ईमेल पे करना है, ठीक है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है, उस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट आउट करवाना है और उसको पूरी तरह से फिल कर देना है। जितनी भी जानकारी वहाँ पे आपसे मांगी जा रही है उस जानकारी को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अटैच कर लेना है। फिर इसको स्कैन करके PDF फॉर्मेट में इनके बताए हुए ईमेल एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो ईमेल के द्वारा फिल की जा रही है, तो ईमेल के द्वारा आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 24/8/2020 है, तो 24/8/2020 से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका कब होगा वो आपको आपके फ़ोन नंबर पे या फिर आपको अपने ईमेल आईडी पे बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब लिया जाएगा, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले यहाँ पे, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको यहाँ पे फिल कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसी नोटिफिकेशन के एंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर लेना है। जितनी भी जानकारी यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है सारी जानकारी को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और इनके बताए हुए ईमेल एड्रेस पे आपको ये जो एप्लीकेशन है और जो साथ में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उसको यहाँ पे PDF फॉर्म में भेज देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई स्टार्टिंग में ही,
यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से भी जाके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और इसमें अप्लाई कर पाए तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।